से कभी प्यार से बातें नहीं किया। मैं एक लालची आदमी चाहता था कि मेरे बेटा होगा दहेज लाएगा, घर में बहू आएगी खुशियां आएगी, बेटी को बहुत समझता था। आज नींद खुल गई मुन्ना, बेटी तो उसके घर में पैदा होती जो नसीब वाला होता है। वो परमात्मा जब खुश होता है तो घर में बेटी को जन्म देता है लक्ष्मी के रूप में, और मैंने उस लक्ष्मी की कदर नहीं की। बाप की जिंदगी, अगर बेटी जवान हो गई तो बाप चौकीदार की तरह होता है। हमें इस बात पर रोना आ रहा है, आज चौकीदार तो जेल चला जाएगा। मेरे डर से कोई मेरे दरवाजे नहीं आया करता था, आज कंसराज पहली बार किसी के सामने हाथ जोड़ने जा रहा है। नहीं भैया, मत जोड़िए, आप हमसे आज्ञा कीजिए भैया, आपके लिए हमारी जान आज है। मेरे जैसे गद्दार आदमी के लिए आज्ञा की बात नहीं। नहीं नहीं, मैं बड़ा नहीं हूँ। बड़ा वो होता है जो बड़ा काम करता है, उम्र से बड़ा होने की जरूरत नहीं है। तुम बड़े हो परिवार के, हाथ जोड़ता हूं कि मेरी बेटी के बाप बन जाओ तुम। बेटी जवान हो गई है, तुम चाचा हो, अपनी बेटी समझकर हमारी बेटी को रखना। हम अपनी अमानत तुमको सौंप के जाते हैं संतोष कुमार। अगर हम जिंदा रहे वापस आए, हमारी बेटी हमें वापस कर देना। आप जरूर आएंगे भैया, मैं आपसे वादा करता हूँ, अपनी जान से ज्यादा ख्याल रखूंगा बेटी का। मैं तेरे बारे में ऐसी बातें नहीं जानता था, नफरत करता था मैं तुझसे। आ मेरे पास। संतोष कुमार, हम तुमसे वादा करते हैं कि आज के बाद शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ी जालिम चीज है, हम वादा करते हैं। और एक बात का ध्यान रखना कि मैं सिर्फ जेल जा रहा हूं, मरा नहीं हूं। अपने आप को अकेला मत समझना, कंसराज वापस आएगा और जरूर आएगा। हमारी बेटी का ख्याल रखना और माँ के कातिल का पता लगाना। जिस दिन पता चल गया, माँ कसम काट डालूंगा। संतोष घबराना नहीं। संतोष कुमार, मैंने तुझे पहले भी वार्निंग दिया था। दिस इज माई लास्ट वार्निंग टू यू। अगर कानून के राह में रोड़ा पड़ने की कोशिश किया बेटा, तो जो हस्र तेरे भाई का हुआ है वही हस्र तेरा होगा। तुझे जो कुछ भी कहना होगा डायरेक्टली आकर अदालत में बोलना भैया। भगवान, ये सब क्या हो गया? ना जाने किस जालिम की नजर लग गई हमारे परिवार पर, ना जाने कौन बेरहम हमारी माँ का खून कर दिया। और ये कानून वाले हमारे रामने से भाई को गिरफ्तार करके ले गए। मैं आपसे वादा करता हूँ भैया कि मैं आपको एक न एक दिन जेल से छुड़वा कर इस घर में जरूर लाऊंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या बताऊं साथियों, आज जब सुबह घर से निकला तो अपनी माँ से मुलाकात नहीं कर पाया। हमें क्या पता था कि
घर में आने के बाद क्या देखूंगा कि हमारी माँ हमें सदा सदा के लिए छोड़कर जा चुकी होगी। बहुत याद आ रही है। पास बुलाती है इतना सताती है, पास बुलाती है इतना सताती है। याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, आती है। मुजरिम है, इससे हमेशा अलर्ट रहना। मैं आधे घंटे के लिए किसी काम से जा रहा हूं, आधे घंटे बाद फौरन हाजिर होता हूं। ओके सर, आप जाइए, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है? आप बेफकीर होकर जाइए। क्या बोला बे? बेफकीर होकर जाऊं मैं? हाँ सर। हाँ, बहना होकर ना जाऊं मैं? तारूंगा जूता साले, 200 जूता मारूंगा। बेफिक्र होकर सर आप जाइए, टेंशन मत लीजिए, इस तरीके से, क्या समझा? हाँ सर, आप टेंशन मत लीजिए, जाइए। अरे साले, तुझे समझाना बेकार है, होशियार रहना भाई। इससे अभी साला अंडे से कायदे से निकला नहीं, साला फड़फड़ाने लगा। पता इसके घर पे था, साला कह रहा है पहले इसको मारूंगा। हमका खतरा मारा तो का चुटी नहीं फाट जाएगा। अब तू मेरे हिरासत में है, तू अब थाने आ गया है, अब तेरी कुटाई मैं जम के करूंगा। खोपड़ी एकदम सटकी है, ज्यादा बोलेगा तो पटक दूंगा, यही पे साले मर जाएगा तू। दो कौड़ी का साले चौकीदार, क्या करेगा मैं? साला मुर्गी के अंडे जैसा है, साला फड़फड़ा रहा है, देख लो पहले। अच्छा तो तुका मुर्गी का अंडा दिखाई दे रहा हूँ। अबे तेरे जैसे बहत्तर आते जाते रहते हैं बे। ठीक है, लेकिन चौकीदार याद रखो कि हम कंसराज हैं। अबे बहुत कंसराज आए और कितने चले गए। अब तू भी आया है, तू भी चला जाएगा। कहाँ चला जाऊंगा? अबे जेल और क्या जाएगा? तुझे मार कर जाऊंगा। अब
सोच रहा हूँ बच्चा है क्या, इसको मारूं, लेकिन साला मुझे छेड़ रहा है। इसको नहीं पता है कि साला शेर को छेड़ रहा है। तो तू शेर है साले, ताकत से डांट तू तो साले हार्ट अटैक आ जाए, मर जाएगा तू। अबे काहे मुंह लग रहा है मेरे बे? अच्छा हाँ, दिमाग मेरा खराब मत करने साले, वो हाथ मार दे, वो मुझे फिचकुट भेज दे। चल मार, मार के दिखा, मार बे मार। साला हमको हल्किम ले रहा है यार। साले पुलिस है क्या तू? साले चौकीदार, साले झाड़ू लगाने वाले, कंसराज पे हाथ उठाएगा साले, मुझे मारेगा। मैं तेरे जिंदगी में ऐसी झाड़ू लगा दूंगा साले, तू सारी जिंदगी साले। चल चल लगा लगा। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत ज्यादा मजाकी हो तुम। सर हमको बहिर समझा था, 40 दाई एक बात बताओ बताओ। पैर ऊपर कर, पैर ऊपर कर, ऊपर कर, पैर ऊपर कर। हाँ आसमान रोक के रख। शादी करेगा? शादी करेगा? अरे बे डांस कर, पैर बंधा है हाथ बंधा है, चल गाना गा, मुंह से गाना गा। मुंगली वाला गाना गाओ, मुंगली माई वाला गा। सारे नहीं जान से मार जाऊ तो का। अच्छे से गाया जैसे गाया जाता है गाना पे। गाना गा और डांस कर। ए भाई ठेका बजाओ। चल डांस कर। सुन बस, तब तक गाना गाना जब तक मैं यहाँ से 2 किलोमीटर दूर ना चला जाऊं। चुप। अब सुन बे, कोई आए तो साले अगर बताया, वापस आ गया तो जान से मार डालूंगा। हाँ हाँ गाना गाते रहना, मैं यहाँ से भाग जाऊं वरना पुलिस आ जाएगी। असाले तुम गाते रहना बस। जानवर है कौन? अबे अबे रे पड़वा तू, अबे ये क्या कंडीशन बना रखा? क्या मतलब है? ये साला कैसे बंध गया? पैर ऊपर कर बे, पैर ऊपर कर। Oh, my God.
क्या रे? ये थाना है कि कबाड़ खाना है? ये क्या है बे? गाना गा रहा था साले, अपने आप को बांध रखा था बे। क्या कहा? कंसराज वहां भाग गया। कंसराज हमारी कस्टडी से फरार हो गया। बहुत पिलाटे जाए चुप। साले मैंने तुझे अलर्ट किया था ना कि बाल सातर मुजरिम है कंसराज, इससे होशियार रहना। लेकिन तू मेरी बात को नहीं माना। हराम जादे, अब हम अपने आला अधिकारियों को क्या जमा देंगे? किसी भी कीमत पर हमें कंसराजों को गिरफ्तार करना है। अरे बे ज्यादा दूर न गए होई, अबे पीछा कै लेता है। चल साले, जरा बोलो को नमस्ते भैया। अरे नमस्ते। अरे चिपवा। चुप बेकूफया कायद, यह नाम बाटई जौन नाम लेता है तू? सिखा नाम बा कि चिकवा नाम बरे? हाँ यार एकर नाम सिखा बा, तो हम एकर चिपवा कहे थे। ए भैया बेटा, बहुत खुशी की बात बा हो। का बात है बेटा? हम तो है बेटी लागी। अरे तू कच्चा दिमाग कहा का? हम ए भैया बता दे तो भाई नाचे लग गए। हाँ रुक, पहले नाच ले तब बता। अब बता तेरी, बताओ ना नाचा बा। सावित्री चाची के बेटवा पैदा भाई भैया हो। अकेले अकेले हो आली, हमको नहीं बताई। आज जाए नहीं सकते तो घूमट टहरत ना। हाँ खोजरी बनी आए। बक कहूं मेहरारू खोजरी बना था? तोरे दाई तोर मत बनाए रही रे। हमरे दाई पगलू हमार भैंसिया पड़वा भी आ रही। ओ भैंसी खोजरी रही? हाँ वह तो मैं सोचे बड़ी थकियान थकियान खोजरी तोरे माई। हट ए भैया। अरे वह हम देख जाते, लेकिन बहुत एक ही दुख के बात आएगी बाहो। अब का दुख हो गया रे? तो का चाची की लड़की की तबीयत तो खराब है भैया। अरे बाप हो, हे माई तो से हाथ जोड़ के विनती बाटे, लड़का ख्याल करो। हम सब तो देखभाल ना ही पाओ कर। यही बताओ लड़का के का पड़ा बड़े? ए भैया हम देखियो हो तो बताई, अब हम ना देखे ही ना। हम का क्यों पड़ता ही ना आए घरे में? ए भैया चलत ही देख, लेकिन बाबा और मम्मी चोरी चलत ये। तोर माई ना जानत? ना मम्मी जानत है ना बाबा जानत है कि उस बताया ना। बाबा ना जानत यहाँ? बाबा ना ही जानता है। अच्छा चल, जब ना ही जानत यहाँ है, चल दोनों भाई बहन भाग चले। एक बात सुन। आ अरहरी अरहरी चले होई हम तो भाई मारत सही हो जाए। पागल ने तो उल्टा सीधा समझा थी। रास्ता जा तो तोर माई देख जाए घर पछुआरे जब अरहर बोई बा में चले हो। सही कहता भैया, जब सरसोइया बा काटे के हो। हाँ क्या बताऊं साथी, जब से हमारी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई, दो चार दिन ही बीता था, हमारा बाप इतना बेरहम है कि हमें मार कर घर से भगा दिया, एक पैसा नहीं दिया। मैं घर से थोड़ी दूर अपनी छोटी सी झोपड़ी बनाकर किसी ना किसी तरीके से अपनी जिंदगी का गुजर बसर कर रहा हूं। आज दो दिन हो गया क्या देखता हूं, आज भी देखा घर पर हमारे पुलिस आई थी, बता रही थी कि भैया भाग गए हैं जेल से। अगर भैया भाग कर गए तो आखिर गए कहाँ? उन्हें तो घर आना चाहिए, पता नहीं कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं।
पास में एक पैसा नहीं है, घर में राशन भी नहीं है और हमारे मुन्ने की तबीयत भी खराब है, क्या करूं? ऊपर से भैया बेटी सिखा की जिम्मेदारी भी देख कर गए हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमारी सावित्री आती होगी, आज मैं इस बारे में उससे जरूर कुछ बात करूंगा, उसका इंतजार करता हूं। या भगवान, आज क्या बात है जो सर झुकाकर बैठे हैं, चेहरा मुरझाया हुआ है, आंखों में आंसू है, आखिर क्या बात हो सकता? मैं पूछती हूं, स्वामी स्वामी सावित्री तुम आ गई। जी हाँ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। स्वामी, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? क्यों नहीं पूछो, क्या पूछना चाहती हो? आखिर बात क्या है जो आज चेहरा मुरझाया हुआ है, आंखों से आंसू छलक रहे हैं, क्या बात है? बस बात कुछ भी नहीं है, घर के हालात देखकर हमारी आंखों में आंसू आ गए और आए दिन घर पर पुलिस आ रही है, भैया जेल से भाग गए हैं, उनके बारे में सोचकर हमारी आंखों में आंसू आ गए, क्या करूं, कहां जाऊं, कहां से पैसा कमाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अपने भैया का पता लगाऊं, घर के हालात ठीक हो जाएं। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, हमारी बात सुनो। क्या बात है? ऐसी मजदूर करने से क्या मजदूरी करने से क्या फायदा है, गांव में कुछ काम ही नहीं मिल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर तुम्हारे पास कुछ पैसा हो तो लाओ मुझे दे दो, मैं उसी पैसे से किराया भाड़ा करके शहर जाऊंगा। वहां चला गया तो मालिक ने चाहा हमें कुछ ना कुछ काम मिल जाएगा। स्वामी, हाँ? आपके पास पैसा नहीं है? नहीं। शहर जाना चाहते हैं? हाँ। मैं आपसे एक बात बताऊं? बताओ। मां मरने से पहले मुझे कुछ पैसा दी थी, वो पैसा मैं बहुत संभाल के रखी हूं, मैं आपसे बताई नहीं। तुम ये क्या कह रही हो ना स्वामी? सच कह रही हूं। इसमें माफी मांगने की क्या बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात है, यह हर पत्नी का धर्म होता है कि अपने पति से छिपा करके कुछ न कुछ पैसा रखी रहती है, वही पैसा मुसीबत में काम आता है। लेकिन स्वामी, आप परदेश जा रहे हैं तो हमें किसके सहारे छोड़कर जा रहे हैं? मुन्ने की तबीयत भी खराब है,
मैं जानता हूं कि मेरे अलावा तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं। अगर नहीं जाऊंगा तो घर के हालात दिन पर दिन बिगड़ते जाएंगे। अगर चार पैसा नहीं कमाऊंगा तो कैसे मुन्नी की तबीयत ठीक होगी, कैसे उसकी दवा होगी, कैसे बच्ची का ख्याल रखूंगा और कैसे अपने भैया का पता लगाऊंगा। पैसा कमाऊंगा तभी तो उन्हें ढूंढूंगा ना। देखो भगवान ने चाहा सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम अकेले नहीं हो।